हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि पीछे मेरे रेसिपी के रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आया है। सो आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर मोमोज। तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ मोमोज़ की रेसिपी मेरे तरीके से। मोमोज़ तो सभी बनाते होंगे आई थिंक सो, बट मैंने अपने तरीके से बनाए हैं तो मैंने अपना तरीका शेयर किया है आप लोगों के साथ। सो देख सकते हो आप लोग कितने क्रिस्पी जैसे बने हैं मोमोज़, और बहुत ही जूसी जैसे बने थे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो यहाँ पर मोमोज़ बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा। तो मैंने यहाँ पे कोई मैदे की मेजरिंग नहीं की है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो है अपने खाने के लिए बना रहे हैं, हम लोग के सेल करने के लिए नहीं बना रहे हैं, तो मैंने मेजरिंग करना ठीक नहीं समझा। मैंने बस थोड़ा सा मैदा ले लिया है, इसका हम लोग डो तैयार कर लेंगे। और तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है मैदे का डो रेडी कर लिया है। अब हम इसको जो है सेट होने के लिए रख देंगे। डो हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब हम लोग जो है एक बाउल में इसको रख देंगे, ताकि थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि सेट हो जाए अच्छे से। और ये देख सकते हो एक बाउल में डाल दिया मैंने, और इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए। और जब तक इसको ये सेट होता है, तब तक हम लोग जो है इसका जो फीलिंग होती है उसको रेडी करेंगे, हम लोग स्टफिंग रेडी करेंगे इसकी। तो स्टफिंग के लिए आप लोग जो है कुछ भी ले सकते हैं, अपनी चॉइस की वेजिटेबल, या फिर अगर आप लोग जो है पनीर के बनाना चाह रहे हो तो पनीर भी डाल सकते हो इसमें। बट मैंने यहाँ पे लिया है कैबिज, पत्ता गोभी, और आनियन डाला है थोड़ा, और गार्लिक, और क्या डाला है मैंने इसमें, और कुछ नहीं डाला है। बाकी मसाला जो भी आप मतलब डालते हो वो डालने हैं, बस फ्राई करना है इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के। और जो इसका पानी है ना वो सूख जाना चाहिए, इतना फ्राई करना है कि इसका पानी सूख जाना चाहिए। तो इस टाइप से कुछ स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो चुकी है, पक चुकी है। अब हम लोग जो है इसको अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि मैं इसी कढ़ाई में जो हूँ मोमोज फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने स्टफिंग जो है आप लोग देख सकते हो बाउल में डाल दी है, अलग से रख दी है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। स्टफिंग भी हमारी ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो फिर मोमोज ठीक से नहीं बनेंगे। और ये देख सकते हो आप लोग कि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है, अब मोमोज बनाने के लिए रेडी है। तो हम लोग जो है इसकी छोटी छोटी लोइयाँ रेडी करेंगे। सो चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोइयाँ जो है मतलब छोटी छोटी रेडी करेंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी लेंगे तो फिर मोमोज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या फिर मोटा रह जाएगा, तो फिर मोमोज मोटा अच्छा नहीं लगता है। तो मोमोज जितना पतला हो फ्रेंड्स उतना अच्छा लगता है, ये देखिए। और बिल्कुल गोल जैसा होना चाहिए मोमो, मोमो के लिए जो चपाती है वो बिल्कुल गोल होनी चाहिए इस टाइप से। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, बस इतना ही बेलना है, मैंने बिल्कुल पतली कर दी है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हमारा जो मोमोज के लिए चपाती है वो रेडी हो चुकी है, और इसमें आप लोग हम लोग जो हैं स्टफिंग भर देंगे। जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी है 1 स्पून, ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे हम लोग, नहीं तो फट सकता है ये। बस 1 टेबल स्पून ही डालेंगे हम लोग। तो इस टाइप से हम लोगों ने फोल्ड कर दिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। मेरे पास ट्राईपोर्ट नहीं है, इसीलिए एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से मैं बना रही थी, थोड़ा सा टफ हो रहा था मुझे, तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को कि कैसे हम लोगों ने इसको जो है इसकी जो इसको बनाया है। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मोबाइल पकड़ा था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए। तो बस इसी टाइप से हम लोग जो है अपने सारे मोमोज की स्टफिंग कर लेंगे, और इस टाइप से रेडी कर लेंगे मोमोज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो मोमोज हैं उनमें स्टफिंग करके रेडी कर ली हैं। अब हम लोग जो हैं इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने जो है यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने जो है रिफाइंड ऑयल लिया है यहाँ पे फ्राई करने के लिए, तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप लोग, इसको हम लोग पहले अच्छे से हीट होने देंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है मोमोज को इसमें डिप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ऑयल है अच्छे से प्री हीट हो चुका है, अब हम लोग जो है मोमोज को डिप कर सकते हैं इसमें। और इस टाइप से 2-4 इकट्ठे डाल देंगे हम लोग जो है, मैं तो हाफ़ डाल रही हूँ यहाँ पे इकट्ठे,
क्योंकि 10 से 12 मोमोज बने हैं मैंने मेरे इतने से डो में, तो मैं हाफ डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये इस टाइप से कुछ, और हम लोग जो है इनको ब्राउन होने तक पकाएंगे अच्छे से, जब तक ब्राउन नहीं हो जाते हैं। और इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे हम लोग, ज़्यादा हाई पे भी नहीं रखेंगे नहीं तो जल जाएंगे, और ज़्यादा लो पे नहीं रखेंगे, और मीडियम पे रखेंगे तो अच्छे से बनेंगे, क्रंची जैसे बनेंगे फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो अगर एक साइड से पक जा रहे हैं तो दूसरी साइड को हम लोग जो है इसको पलट के रख देंगे, बट यहाँ पे मेरे अच्छे से पके नहीं हैं। हम लोग जो है थोड़ी देर और इनको पकने देंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है इनको पलट देंगे दूसरी साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, मोमोस मतलब अच्छे से स्टफ़ किए हैं, खुले नहीं हैं बिल्कुल भी, खुलने नहीं चाहिए नहीं तो इसकी जो स्टफिंग होती है वो सारी ऑयल में निकल जाती है, फिर ठीक नहीं लगती है। तो अब फ्रेंड्स हमारे जो मोमोस हैं सारे यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे, एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं तो सीधे प्लेट में निकाल रही हूँ, टिश्यू पेपर नहीं है मेरे पास सो मैं नहीं यूज़ कर रही यहाँ पे। टिश्यू पेपर का क्या होता है ना कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको सोप कर लेता है, पर चलिए नहीं है मेरे पास तो ऐसे ही काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके पास हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कितने अच्छे से हमारे जो मोमोस हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, तो इस टाइप से बने हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को समय पर मिलती रहे, और आप लोग जो है मेरी वीडियोज़ को वॉच कर सको। तो ये इस टाइप से बने थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे सच में ही, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टाइप से, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। सो आजकल तो सर्दी का मौसम है, बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें, और अपने घर पे बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है ना। सो चलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बहुत ही क्रंची जैसे बने थे, और बहुत ही जूसी जैसे बने थे, जो इसकी स्टफिंग थी बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, जूसी जैसी थी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, इंजॉय कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ बस फ्रेंड्स आप लोग जो है अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, बाय बाय।